गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम नंबर ऑफ जीरोस। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दें कि एक-एक करके टॉपिक फिनिश करेंगे। हो सकता है इसमें किन्हीं लोगों का नहीं पढ़ा हुआ हो और किन्हीं लोगों का पढ़ा हुआ हो। कुछ लोग ऐसे जैसे सुबह 7:30 बजे वाले नए बैच के जो बच्चे हैं, उनके लिए होगा क्या कि अरे अचानक से नंबर ऑफ जीरोज है। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें, सब लोगों को स्पष्ट कर दें कि टॉपिक कोई भी जो जो टॉपिक उठाएंगे किसी से कोई रिलेटेड नहीं होगा। अगर आप पहले पढ़े हुए हैं तो भी इंजॉय करके पढ़िए, क्योंकि एक एक करके हो सकता है 20-25 टॉपिक हम खत्म कर दें। अब आज से लगातार शुरू कर दिए हैं तो इंटरेस्ट लेके पढ़िए सब लोग, इंजॉय करते हुए, ठीक है, और समझते हुए, एक एक चीज को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले जैसा कि कोई भी टॉपिक है ना, जैसे ये टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोस, तो इस टॉपिक का नाम नंबर ऑफ जीरोस है, तो टॉपिक का नाम क्या क्यों दिया गया नंबर ऑफ जीरोस, एक बात। दूसरा, इस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तीसरा, कि इस टॉपिक में कैसे किस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहली बात जो है वो हम आपको ये बता दें कि ये नंबर ऑफ जीरोस, जो टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, ये एसएससी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी का कोई भी फॉर्मेट, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, उसमें पूछा जाता है, रेलवे में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंक में, बैंक के एग्जाम में पहले पूछा जाता है था, इधर कई साल से दिख नहीं रहा है, लेकिन इस कोई गारंटी नहीं है, पूछा जा सकता है कभी भी। तो ये एग्जाम की बात किए, अब बात करते हैं टॉपिक की। हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, प्यार एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। अच्छा, ऐसा एक ही बार होता है तो एग्जाम बार बार क्यों? देखिए, इनका सवाल है, क्या नाम है, गुड्डू। जवाब देते हैं, पहले थोड़ा इसको हम क्लियर कर दें। नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक की बात करते हैं, तो ये टॉपिक का नाम नंबर ऑफ जीरोस क्यों पड़ा, तो पहले समझिएगा क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए ये इसमें क्वेश्चन क्या कैसा पूछा जाता है, जैसे ये 25 × 8, ये एक एक्सप्रेशन है, 25 × 8, ये एक एक्सप्रेशन है। बोला इस एक्सप्रेशन को, इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो बोला क्या, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। तो कोई भी सिंप्लीफाई करेगा तो इसको क्या बोलेगा, 25 × 8 गुना अगर करते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि 200 आएगा। तो बोला क्या कि ये इसको गुना करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, उस वैल्यू के लास्ट में ही ध्यान रखें, लास्ट से मतलब होता है, शुरुआत से कोई मतलब नहीं होता है, या बीच में है, जैसे 2 0 3 0 0 0, बोलेंगे इसमें, इसके अंत में ये जो संख्या है इसके अंत में कितना जीरो, तो बोलेंगे 3 0, ये जीरो है लेकिन अंत में नहीं है। तो इससे पूछा जाता है कि लास्ट में कितना जीरो अंत में, तो यहां पर आंसर होगा 2, कि 2 0 लास्ट में है। थर्ड बोलेगा क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल 35 × 8 × 4, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताएं कि लास्ट में कितना जीरो होगा। तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर मान लीजिए कुछ भी हमें पता ना हो तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि आप बोलेंगे क्या कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट में आएगा वो जीरो होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40 0, और 8 × 3 = 24, और 4 × 28 280 × 4, 4 × 0 = 0, 4 × 8 = 32 का 2 3, 4 × 2 = 8 3 = 11, अंत में कितना जीरो आया, तो आप बोलेंगे 1 0।
ये क्वेश्चन में अंत में कितना जीरो? दो जीरो। इस क्वेश्चन में अंत में कितना जीरो? एक जीरो। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ये क्वेश्चन में क्यों पूछा जा रहा है? सिंपल सा है कि गुना कर दीजिए लास्ट में जीरो, इसमें कुछ तो टेक्निक नहीं है। नहीं है, अगर ये तो सिंपल लग रहा है कि अच्छा सिंपल है, गुना कर देना है और देख लेना है कि लास्ट में कितना जीरो आएगा, बस सिंपल बात है। लेकिन इतना भी सिंपल बात नहीं है। जब क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्वेश्चन में ऐसे दे देगा आपको 17 × 85 × 76 × 88 × 103 × 117 × 95। अब आपका हालत खराब, इतना गुना करिए और गुना करने के बाद बताइए कि लास्ट में कितना जीरो होगा, ये तो हालत खराब हो जाएगा। इतना पॉसिबल ही नहीं है गुना कर देना। गुना कर दिए तो फेल कर जाएंगे, क्योंकि इतना अगर कोई गुना कर दिया तो 5 मिनट लगेगा, एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लगेगा, तो स्थिति आप समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, टेक्निक हम आपको बताते हैं कि इसके गहराई में जाते हैं कि बात होता क्या है। देखिए आप समझने का कोशिश करें, ये जो गुना करते हैं तो गुना करके जो लास्ट में जीरो प्रोड्यूस होता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब 1, 2 और 1, 5 मल्टीप्लाई होता है तो एक जीरो लास्ट में देता है। पहला पॉइंट ध्यान से समझने की बात है, ये 2 × 5 × 2 × 5 ये एक एक पेयर, इसको बोलते हैं एक पेयर, 2 और 5 का 1 पेयर, ये 2 और 5 का 1 पेयर, यानी ये 2 × 5 = 10, ये 2 × 5 = 10 और 10 × 10 = 100। लास्ट में कितना जीरो दिया? 2 जीरो। यानी हमें क्या करना है, हमें 2 ढूंढना है और 5 ढूंढना है। नंबर को गुना करने के बदले ब्रेक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोग गुना किए थे, हम बोले गुना मत करिए, ब्रेक करिए। इस 25 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, 5 × 5, और ये 8 ब्रेक होगा तो 2 × 2 × 2। अब बताइए 2 और 5 का कितना पेयर, तो ये 1 पेयर और ये 2 पेयर, 2 पेयर है, तो इसके इसीलिए लास्ट में इसका 2 जीरो आया था। जैसे यहां देखें, इसको अगर ब्रेक कर दें तो 5 × 7, अब ये 2 × 2 × 2 और ये 4 × 2 × 2, तो 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, 1, 5 और 1, 2, बस 1 पेयर बन रहा है, तो लास्ट में 1 जीरो आएगा। यानी काम करना क्या है, हमें गुना नहीं करना है, हमें गुना नहीं करना है, हमें करना क्या है, क्या मैसेज बंद करना है? हाँ बंद कर दीजिए ना, अभी थोड़ा देर पहले सुन लीजिए मेरी बात को, और उसके बाद आपको जो जो प्रॉब्लम होगा उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। इधर ये कुल मिला के हम मेरा लक्ष्य क्या हुआ कि आपको गुना नहीं करना है, आपको नंबर को ब्रेक करना है, और ब्रेक करके आपको ये डिसाइड करना है कि 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा। जितना पेयर उतना जीरो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात पता चला कि पेयर बनेगा तो जीरो प्रोड्यूस होगा, यानी पेयर बनने से जीरो हो जाता है, इसलिए पेयर बनने से बचिए। चलिए आते हैं हम लोग, मेरा ये कहना हुआ, फाइनल टच ये मेरा रहा कि एसी ऑन कर लीजिए, गर्मी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, हम ये बता रहे थे कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना जीरो। 2 और 5 का पेयर बनाएंगे, तो 2 और 5 का पेयर बनाने के लिए अभी जैसे हम लोग हर नंबर को ब्रेक कर रहे थे, वैसे हर नंबर को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। देखें, जैसे 2 वैसे नंबरों में मिलेगा जिसके लास्ट में 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, जिसके लास्ट में 2, यानी आपको 122 है, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 मिलेगा, 36 है इसको ब्रेक करेंगे तो 2 मिलेगा, 48 है इसको ब्रेक करेंगे तो 2 मिलेगा, 58 है इसको ब्रेक करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन 77 है इसको ब्रेक करेंगे तो 2 नहीं मिलेगा। और नंबर को ब्रेक करने पर 2 नहीं मिलता है, इसको ब्रेक करिएगा तो 7 × 11, 2 तो नहीं मिला। तो 2 वैसे नंबरों के
दो प्राप्त करने के लिए वैसे नंबर को ब्रेक करेंगे जिसके अंत में या तो दो हो या चार हो या छः हो या आठ हो। बहुत आदमी के मन में, बहुत लोगों के मन में सवाल ये उठेगा ना कि अच्छा सर लास्ट में जीरो हो तो आ रहे हैं। हम अभी आपको बोले दो वैसे नंबरों के, दो ब्रेक करने के लिए वैसे नंबरों को देखेंगे जिसके लास्ट में दो हो, चार हो, छः हो या आठ हो, और पाँच ढूंढने के लिए वैसे नंबर को ब्रेक करेंगे जिसके लास्ट में पाँच हो, जैसे 55 है, 85 है, 75 है, इन सब को ब्रेक करेंगे तो पाँच मिलेगा, ठीक है। तो और जिस संख्या के अंत में जीरो है तो उस संख्या को ब्रेक करेंगे तो दो भी मिलेगा और पाँच भी मिलेगा। जैसे इसको ब्रेक करिएगा तो दो भी मिलेगा, पांच भी मिलेगा, तीन गुने दो गुने पांच। तो हम बोले इसको ब्रेक करने का जरूरत क्या, ऐसे ही दिख रहा है हमें कि लास्ट में एक जीरो है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अभी क्या बताएं कि जिसके लास्ट में दो चार छ आठ हो उसमें दो मिलेगा, जिसके लास्ट में पांच हो उसमें पांच मिलेगा, जिसके लास्ट में जीरो हो उसमें दो और पांच दोनों मिलेगा। तो लास्ट में जीरो वाले को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले सारी चीजों को रिपीट करें। क्वेश्चन कैसा रहता है, एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, बोलता है उसको सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करके बताइए कि लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें गुना करने की जरूरत नहीं है, नंबर को ब्रेक करना है। सारे नंबरों को ब्रेक नहीं करने की जरूरत है, जिसमें दो मिलेगा उसी नंबर को ब्रेक करेंगे या जिसमें पाँच मिलेगा उसी नंबर को ब्रेक करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि दो और पाँच का संख्या कितना है। दो और पाँच का जितना संख्या लास्ट में उतना, दो और पाँच का जितना संख्या है देखेंगे कि कितना पेयर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप थोड़ी देर के लिए ये दो गुने दो गुने दो गुने पाँच गुने पाँच ऐसा है, इसमें कितना जीरो होगा लास्ट में, तो लास्ट में दो जीरो होगा क्योंकि दो ही पेयर बन रहा है, एक पेयर और दो पेयर। यानी आप बोल सकते हैं दो का संख्या कितना है तीन और पांच का संख्या कितना है दो, तो जितना जिसका संख्या कम उतना ही पेयर बनेगा। संख्या पांच का कम है, कितना है दो है, तो दो पेयर बनेगा, यानी इसका मतलब दो जीरो आएगा। ये बेसिक कंसेप्ट था क्वेश्चन बनाने का। अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला टाइप, पहला टाइप का क्वेश्चन जो है वो, पहला टाइप का क्वेश्चन दिया गया है ये कि 25 गुना 37 गुना 39 गुना 125 गुना 56 गुना 4। देखिए क्या लिखा गया है, दिए गए दिए गए व्यंजकों में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। और ये एक्सप्रेशन दिया गया है 25 × 37 × 39 × 125 × 56 × 4। आप देखिए ऐसे ऐसे लिख लीजिए, एग्जाम में भी हो ये दो का संख्या और पांच का संख्या। इसमें देखें, इसमें ये 25 है, इसमें लास्ट में पांच है, यानी इसमें दो नहीं मिलेगा पांच मिलेगा। कितना पांच मिलेगा, तो 25 को ब्रेक कीजिए, मन में मेंटली ब्रेक करना पड़ता है, 25 मतलब दो पांच मिलेगा, पांच गुने पांच यानी इसमें पांच मिला कितना दो। ये 37 में कुछ नहीं मिलेगा, 39 में कुछ नहीं मिलेगा, 125 में पांच मिलेगा, कितनी पांच मिलेगा तीन, पांच गुने पांच यानी तीन, ये तीन पांच मिला, ये भी हो गया। 56 है, इस 56 को ब्रेक करेंगे तो इसमें दो मिलेगा, कैसे, तो दो दुनी चार दुनी आठ सते 56, 56 को ब्रेक कीजिएगा ये 56 को, तो यही ना होगा दो दुनी चार दुनी आठ सते 56, यानी कितना दो मिला तीन, यानी तीन दो मिला, तीन दो मिला। अब 56 भी हो गया, चार को ब्रेक करेंगे तो दो दो मिलेगा, कितना दो दो दो
दो दो मिलेगा, तो ये दो, यानी दो आपको मिल रहा है कितना, टोटल पांच, और पांच कितना मिल रहा है, ये भी पांच, तो दो का भी संख्या पांच और पांच का भी संख्या पांच, तो नंबर ऑफ पेयर कितना बना, नंबर ऑफ पेयर बना पांच, यानी लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज आएगा पांच, यानी ये आपका आंसर होगा, लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज 5। बहुत अच्छा, बहुत लोगों का आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी, गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आते हैं, अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 25 इंटू 1200 इंटू 1500 इंटू 18 इंटू 377 इंटू 589 इंटू 500, ये क्वेश्चन है आपका। मेरा ये कहना है कि आप ये जो जीरो लास्ट में उसको तो छोड़ ही दीजिए, ये दो और यहाँ दो, इससे हमें 6 जीरो मिल रहा है, इससे और इससे और इससे, इससे 6 जीरो मिल रहा है, इसको अलग से हम लोग रखेंगे। अब दो और पांच ढूंढते हैं, दो और पांच ढूंढते हैं, तो ये 25 है, इसमें दो पांच मिलेगा, ये 12 को ब्रेक करेंगे तो 12 में 2 × 2 4 × 3 12, यानी दो दो मिलेगा 12 में। 15 को ब्रेक करेंगे तो 3 × 5 15, यानी पांच इसमें एक मिलेगा। 18 को ब्रेक करेंगे तो 18 को ब्रेक कीजिएगा तो 2 × 4 2 × 9 18, यानी एक दो मिलेगा 18 को ब्रेक करेंगे तो। इसको ब्रेक करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको ब्रेक करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ एक पांच मिल रहा है, एक पांच मिल रहा है, यानी यहां से पता चल रहा है 4 ये और ये 3, तो इससे इन दोनों से कितना पेयर बनेगा, तो 3 पेयर यहां से बन रहा है, यानी 3 जीरो यहां से होगा और 3 जीरो यहां से, इससे 3 जीरो मिल रहा है, इससे 3 जीरो, और इसके अलावा ये 2 2 4 और 2 6, टोटल जीरो कितना हो गया, टोटल जीरोस बराबर 3 यहां से प्लस 2 4 6 यहाँ से, टोटल 9 जीरो। क्लियर है, गुड, बहुत अच्छा, सभी लोगों का 9 है, कुछ लोगों का 7 आया है, गलत आंसर आया है, मैक्सिमम लोगों का 9 आया है, यह आंसर नंबर ऑफ जीरोज बराबर 9 होगा। जिनका भी 7 आया है वो वीडियो को बैक करके बाद में देखिएगा। अब आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा दिया, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें देखते हैं बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होते हुए। 10 × 100 × 1000 गुने ऐसे दिया है, 2 4 6 7 8 9 10 ऐसे है। अभी क्या करना है कि अब एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं, छोटा एग्जाम्पल ये कि मान लो सिर्फ इतना ही रहता, 10 × 100 × 1000 इतना ही रहता, तो अगर इतना ही रहता तो हम लोग क्या करते, इसको गुना करते तो 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3, तो हम लोग बोलते हैं 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, टोटल जीरो कितना हो गया, 3 2 5 1 6, यही बोलते हैं हम लोग कि 6 जीरो होगा, लेकिन इसको मिटाते हैं, आते हैं तो उसी सेम थिंग, यहां पर 1 जीरो आ रहा है, यहां 2 जीरो आ रहा है, यहां 3 जीरो आ रहा है, और ऐसे आएंगे तो यहां पर देखें तो 10 जीरो आ रहा है, यानी इस सब को टोटल को जोड़ दीजिए तो 1 + 2 + 3 + ऐसे 10 तक जोड़ दिए, तो 1 से लेके 10 तक का सम याद भी रखना चाहिए, 55 होता है, 1 से लेके 10 तक का सम अगर जोड़ेंगे तो 55 आता है, तो ये 55 जीरो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत लोगों का आंसर 55 था, गुड, करेक्ट। आते हैं यहां देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करें, ये 25 है और इंटू 8 है, तो आप इसको बोलते हैं 25 × 8 = 200, लेकिन आप सोचे यहीं पर ये 2.5 रहता, तब आप बोलते दशमलव के एक अंक पहले जीरो यहाँ, इसका मतलब इसको बोला जाता है 20। अगर ये पॉइंट ना होता
तब लास्ट में दो जीरो होता, अगर ये पॉइंट है तो लास्ट में बोलते हम लोग एक जीरो है। तो आप क्या करें, जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन पॉइंट वाला आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि ये आपका 8 है इंटू 12.5 है इंटू 6.25 है इंटू 64 है इंटू 75 इंटू 6। हम लोग पॉइंट को छोड़ दे, पॉइंट को भूल जाए और ऐसे जीरो निकाल ले, दो ढूंढते हैं और पांच ढूंढते हैं, इसमें दो कितना तीन, इसमें पांच मिलेगा कितना तीन, इसमें पांच मिलेगा कितना चार। ये सब मेंटली ब्रेक करना चाहिए, इस पर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। 625 है तो 5 × 5 × 5 × 5 625 होता है, ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। 64 है तो देखिए 6 × 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 यानी 6 आएगा, 64 को ब्रेक कीजिएगा तो 2 मिलेगा 6 बार। 75 में हमें 5 मिलेगा, कितना 5 मिलेगा तो 5 × 5 × 3 यानी 2 5 मिलेगा, और इसमें 1 2 मिलेगा यानी 6 × 3 = 9 = 10 और 4 × 3 = 7 = 9। इन दोनों से कितना पेयर आया, 9 पेयर आया, 9 पेयर, इससे कितना जीरो बनेगा तो 9 जीरो बनेगा, ये टोटल इसमें 9 जीरो बना। बट पॉइंट के कारण यहाँ 1 और यहाँ 2, 2 × 1 = 3, 3 अंक के पहले पॉइंट आएगा तो ये 9 जीरो जो लास्ट में होगा उसमें उससे पहले 3 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा तो टोटल जीरो कितना आ जाएगा, तो टोटल जीरोज बराबर 6 आएगा, टोटल जीरो 6 यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रशांत, अभिषेक, प्रीति, डॉली, मनीषा, शुभम, नीलम, अभिनव, सब लोगों का बहुत बढ़िया, गुड, 6 आंसर मैक्स, बहुत लोगों का 6 आंसर आया। आगे बढ़ते हम लोग, ये टाइप 1 समाप्त हो गया। अब देखें अभी इसके बाद जब खत्म कर रहे हैं, एक टाइप, पहला टाइप हम लोगों का फिनिश हुआ, दूसरा टाइप में हम लोग आ रहे हैं। पहला टाइप में आप लोग क्वेश्चन का वैरायटी समझे कि कुछ हैपाजार्ड नंबर दे दिया जाता है, वैरायटी समझ लीजिए, कुछ हैपाजार्ड नंबर कहीं कहीं से, ये क्या है, कहीं कहीं से नंबर उठाया और दे दिया, बोला इनको गुना करिए और बताइए कितना जीरो होगा। लेकिन अभी अब टाइप 2 में आते हैं, टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन देता है, ये 1 × 2 × 3 × 4 × 900 ऐसा दिया और बोला बताइए कितना जीरो होगा। देखिए बात को समझिए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 ऐसे करके हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, × 60 कर दीजिए × 60। जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, बहुत मजा आने वाला है, जो पहले नहीं सीखे हैं, नहीं क्लास किए, उनको तो और इंटरेस्ट आएगा कि ये ऐसे, अब बोला अब गुना करो। पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, पहला क्वेश्चन में बहुत कम नंबर दिया था, 5 नंबर देता था, 6 नंबर देता था, बोलता था इनको गुना करिए, 5-6 नंबर को ब्रेक कर लिए। अब यहां पर आप ऐसे देखिए 60 तक है, ये तो हद हो गया, 1900 तक दिया है, 1900 तक को ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे ब्रेक करते जाएंगे तो पागल हो जाएंगे हम लोग। हम लोगों को इसमें क्या है कि हम लोग को 2 और 5, वही बात है, 2 और 5 ढूंढना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, 2 और 5 ऐसे ढूंढना शुरू करेंगे, तो 2 यहाँ मिला 1, इसमें कुछ नहीं, इसमें 2 मिला कितना 2, इसमें 5 मिला 1, इसमें 6 में 2 मिला 1, 7 में कुछ नहीं, 8 में 2 मिला कितना 3, 9 में कुछ नहीं, आगे 10 आएगा, 10 में 1 2 मिलेगा और 1 5 मिलेगा। अभी 10 तक ही गए हैं, ऐसे हम लोगों को 60 तक जाना है, तो ऐसे ढूंढते जाए तब तो आप 10 तक में इतना समय लग गया 60 तक जाने में, और 1900 तक जाने में तब तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ये करने से एक चीज पता चलता है, हम लोगों को एक चीज पता चलता है कि देखें 10 तक ही ढूंढे हैं तो 2 ढेर सारा मिला लेकिन 5 बहुत कम मिला। और पेयर किसके अकॉर्डिंग होता है, पेयर बनता है जिसका संख्या कम हो,
उसके अकॉर्डिंग पेयर बनता है। तो डेफिनेटली ये सीरीज को देखिए, ये नेचुरल नंबर का सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात, ये प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज है। तो प्राकृतिक संख्या का जब भी सीरीज मिलेगा तो एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चलता है कि हमेशा दो ज्यादा मिलेगा, पांच कम मिलेगा। और जीरो डिपेंड करता है कि दो और पांच के पेयर पर, और पेयर का संख्या डिपेंड करता है कि जिसका संख्या कम हो उतना पेयर। तो ऑब्वियस सी बात है, एक आसान एक इंपॉर्टेंट बात हमें यह पता चलता है कि हम लोगों को दो ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ज्यादा मिलेगा, पांच कम मिलेगा। यानी जब भी नेचुरल नंबर का सीरीज आए तो हमें दो नहीं ढूंढना है, बल्कि केवल पांच ढूंढना है, कि केवल पांच ढूंढना है कि पांच कितना मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 ऐसे करके मान लीजिए 60 है। तो इसमें दो ढूंढने की जरूरत नहीं, रीजन के साथ हर चीज को जानिए, दो ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि दो बहुत ज्यादा मिलेगा, केवल पांच ढूंढ ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो पांच ढूंढेंगे, तो पांच ढूंढने की बात करें तो सबसे पहले पांच कहां मिलेगा, यहां कितना पांच मिलेगा, एक। फिर किसमें मिलेगा, दस में, कितना मेंटली ढूंढते हैं, दस में कितना, एक। फिर किसमें मिलेगा, पंद्रह में कितना, एक। फिर बीस में कितना, एक। फिर पच्चीस में दो पांच मिलेगा, पच्चीस में। फिर तीस में एक पांच मिलेगा। फिर पैंतीस में एक पांच मिलेगा। फिर चालीस में एक पांच मिलेगा। फिर पैंतालीस में एक पांच मिलेगा। फिर पचास में दो पांच मिलेगा। फिर पचपन में एक पांच मिलेगा। फिर साठ में एक पांच मिलेगा। यानी साठ तक अगर हम लोग ढूंढे तो टोटल कितना, एक एक दो एक तीन एक चार दो छः एक सात एक आठ एक नौ एक दस दो बारह एक तेरह एक चौदह, चौदह पांच मिलेगा। अगर वन से लेके सिक्सटी तक में ढूंढते हैं तो फोर्टीन फाइव मिलेगा। लेकिन अभी भी आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल, अब आते हैं ओरिजिनल बात बताते हैं। ये सिक्स अगर कभी भी नेचुरल नंबर का सीरीज वन से स्टार्ट हो और कहीं तक भी जाए, और आपको उस सीरीज के सारे नंबरों को ब्रेक करके पांच ढूंढना है, मैजिकल तरीका बताने जा रहे हैं, ध्यान दें। लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है, साठ, उसको दुगुना करिए। जैसे 60 को दुगुना करिएगा तो 120, तो क्या करना है ना, अंतिम का अंक को छोड़ दिया जाता है। तो देखिए फिर से समझिएगा, 60 है, 60 का दुगुना 120, अंतिम अंक छोड़ दीजिए तो 12। अब जो 12 आया इसका दुगुना 24, 24 का अंतिम अंक 4 छोड़ दीजिए तो 2, यानी टोटल निकल गया 14 5। हम लोग ने 1/1 भी निकाला था तो 14 आया था। देखिए कितना आसान काम हो गया। अभी अब फिर से एक एग्जांपल से बताने जा रहे हैं, समझिएगा। जैसे हम बोलेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × ऐसे जाएंगे 200, इसमें पांच ढूंढना है। तो पांच, ये इसको क्वेश्चन का वही क्वेश्चन वही है, इनको गुना करिए और गुना करके बताइए कि लास्ट में कितना जीरो। तो हमें पता है ये नेचुरल नंबर का सीरीज है, इसलिए इसमें पांच कम मिलेगा, और जिसका संख्या कम, दो ज्यादा पांच कम, तो जिसका संख्या कम उतना पेयर है, और जितना पेयर उतना जीरो। यानी इसमें पांच ढूंढना है, और पांच ढूंढने का मैजिकल ट्रिक बताए कि 200 का दुगुना करिए, इस 200 का लास्ट नंबर का दुगुना, 200 का दुगुना 400, 400 का एक अंक छोड़ देंगे तो 40, 40 का दुगुना 80, एक अंक छोड़ दीजिए 8, 8 का दुगुना 16, एक अंक छोड़िए 1, यानी 40, 8, 48, 1, 49। इस 1 से लेके 200 तक को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, लास्ट में 49 जीरो आएगा। उम्मीद करते हैं बहुत मजा आया होगा अब आप लोगों को, ये कितना आसान काम हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को 1 से लेके 1900 तक है, तो हम लोगों को सीधा डायरेक्ट नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। डायरेक्ट नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे कैसे, 1900 है, 1900 का दुगुना 3800, ये 3800 है, 3800 पूरा नहीं लेना, इसको छोड़ दीजिए तो 380। अब 380 का दुगुना करिएगा तो 760 आएगा, तो इसको नहीं लेना है, कितना 76। इसका दुगुना करिएगा तो 6 × 12 7 × 14 1 15, तो इसको नहीं लेना है, कितना 15। ऐसे ही 15 का दुगुना 30 तो 3, और इसको जोड़ दीजिए 6 5 11 3 14, और 1 1 2 7 9 8 17 का 7,
एक और तीन एक चार 474, लास्ट में 474 ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब लोग का आंसर बहुत अच्छा बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आगे बढ़े तो दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ जीरो एक से लेके 2000 तक गुना किया गया है और नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, तो यही लगातार नेचुरल नंबर है, इसको दुगुना डायरेक्ट नंबर ऑफ जीरोज, 2000 का दुगुना 4000, 4000 है तो लिखेंगे 400, 400 का दुगुना 800, 80, 80 का दुगुना 160, 16, 16 दूनी 32, 3, 6, 3, 9, 8, 1, 9, 499, लास्ट में नंबर ऑफ जीरो 499, इसका 499। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, सब लोगों का 499 आया, गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुमार सुमित बहुत अच्छा, एसएससी में सेलेक्टेड है। फैक्टोरियल 1200, इसके बारे में फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा जानकारी देते, वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा जैसे फैक्टोरियल 8 है, तो फैक्टोरियल 8 का मतलब ये होता है कि ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, इसका मतलब होता है यही, यानी ये भी तो बात वही हो गया कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, तो आप देखें ये 1200 तक का गुना, इसका मतलब ये यही हुआ ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 1200। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज तो 1200 का दुगुना करेंगे तो 2400, 1200 का दुगुना 2400, तो 2400 हम फिर समझाएं क्या हम बोल रहे हैं, 1200 का दुगुना 2400, तो ये 2400 में इसको नहीं लिखना है, 240, 240 का दुगुना 480, तो 480 में क्या लिखेंगे 48, 48 का दुगुना 96 यानी क्या लिखेंगे 9, 9 का दुगुना 18 तो क्या लिखेंगे 1, इसको जोड़ दीजिए, ये 18, 4 4 8 1 9 और ये 298, नंबर ऑफ जीरो जाएगा 298। ये देखें आप 500, ये गड़बड़ हो गया, ये है क्या 501 गुना 502 गुना 503, ये भी लगातार प्राकृतिक संख्या का ही प्रोडक्ट है, लेकिन ध्यान दें ये एक से स्टार्ट नहीं है, ये 501 से स्टार्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, समझाने समझिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे 500 इंटू 501, हम क्या करें इस पूरे में का जीरो निकाल लेते हैं और इसमें से, लेकिन हमको पूरे का तो निकालना नहीं था, हमें इतना ही निकालना है, तो इसके इधर वाला जीरो को घटा देते हैं, यानी मेरा कहना है कि एक से लेके 6000 तक अगर जीरो निकालते हैं तो 6000 का दुगुना 12000, 1200 का दुगुना 24, 1200 का दुगुना 2400 यानी 240, ये 48, 96, 9, 9 दुनी 18, 1, 1, 9, 10, 8, 18, 18, 8, कैरी 1, ये 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9, तीसरा नंबर को ऐड करें 2, 2, 4, और चौथे नंबर को ऐड करें तो 1, ये 1 से लेके हम लोग 6000 तक निकाले हैं, जबकि हमें निकालना है 501 से लेके 6000 तक, तो हम लोग बोलते हैं एक से एक काम करते हैं, एक से लेके 500 तक हम लोग निकाल लेते हैं, तो एक से लेके 500 तक निकालते हैं, एक से 500 तक, तो 500 का दुगुना 1000 यानी 100, 100 दुनी 200 20, 20 दुनी 40 4 यानी 124, ये एक से 6000 तक 1498, मतलब ये पूरा में 1498, और यहाँ से यहाँ तक का जीरो निकाले तो 124। अब हमें निकालना है 501 से लेके
6000 तक, तो इसमें से इसको घटा दें 1498 माइनस 124, यानी 8 से 4 गया 4, 9 से 2 गया 7, 14 से 1 गया 13, 1374। वाह, बहुत लोगों का, कुछ लोग गलती किए हैं, 1372 कर दिए हैं, 1374 आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसका आंसर हम रुक जाते हैं, आप लोग का देखते हैं कि आप लोग आंसर इसका क्या करते हैं, हम वेट करते हैं थोड़ा आप लोगों का, इसका आंसर बताएं क्या होगा। ये आपके सामने में क्वेश्चन है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × up to 99, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से, इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए 40 है, बी में 0 है, सी में 3 है, डी में 8 है, इसका आंसर क्या होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक से एक, पहले भी हम मेरे स्टूडेंट सब एक से एक स्मार्ट टैलेंटेड लोग सब हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना फास्ट आंसर आ रहा है, सब लोगों का 0, गुड गुड, क्या बात है। दुख इस बात का है कि आप लोग सामने में नहीं है, दिख नहीं रहे हैं, नहीं तो अभी मजा आ जाता। बहुत बढ़िया, देखें ये जो क्वेश्चन है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 99, ये ऑड नंबर है, लगातार ऑड नंबर है, याद रखिए। हम बार बार, मेरा जोर रहता है, मेरे पढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको पसंद आता है कि मेरे पढ़ाने का में अगर कुछ अच्छाई है तो वो उसका पढ़ाने का कंसेप्ट है। हम, मेरे नज़र में यह है ना कि क्वेश्चन हम 1000 पढ़ा दें, लेकिन आप 1001वां कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप फंस जाएंगे अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या बना है, कभी भी इस मल्टीप्लिकेशन में 0 आता कैसे है, 1, 2 और 1, 5 का जितना पेयर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। आप देखें, ये सब ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर है, और सारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 का ऑड नंबर में कभी भी 5 मिलेगा। 5 कहाँ मिलेगा? तो अच्छा, एक मजे की बात बताते हैं, ये क्लासरूम में जो अक्सर ऐसा होता है, क्लास में हम पूछते हैं, बताइए 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, बहुत हम लोग हंसते हैं क्लास में, एक्चुअली में लोग एकदम जोश में बोलेंगे, हाँ सर मिलेगा 5, 5 में, 10 में, 15 में, नहीं भाई मेरे, इसमें 10 आएगा ही नहीं, इसमें 20 आएगा ही नहीं, ये लगातार ऑड नंबर है, तो 5 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, लेकिन उस मिलने से, 5 के मिलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 है नहीं, और 2 है नहीं तो पेयर बनेगा नहीं, और पेयर बनेगा नहीं तो 0 बनेगा नहीं, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 0, इसका आंसर होगा, एक भी 0 नहीं होगा, क्योंकि सारा ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो इसमें 2 मिलेगा नहीं। आगे बढ़े हम लोग, ये क्वेश्चन ना, जब पिछला ये क्वेश्चन जब पहले पढ़ा दिया करते थे, और पहले पढ़ा दिए तो जब भी लोग का ना देखे 1, 3, 5, 7, 9, बस आगे कुछ सोचना नहीं है, 0 मार देना। ऐसे ही एक बार एसएससी में क्वेश्चन आ गया, 1, 3, 5, 7, ऐसे लोग देखे, अच्छा 0 कहाँ है भाई, मार दो, गए काम से। एक बात है कि थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आपको फंसाने का कोशिश करेगा। देखिए यहाँ, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो सारा ऑड नंबर है, बट यहाँ पर एक 56 इवन नंबर दे दिया,
और इवन नंबर दे दिया तब तो इसमें दो आ ही जाएगा। तो इस 56 की बात करें, 56 को ब्रेक करेंगे तो दो मिलेगा आपको, 2 × 4 × 8 × 56 यानी 3, और 5 तो ढेर सारा मिलेगा, 5 में फिर 15 में फिर 25 में फिर 35 में। तो कितना पेयर बनेगा, नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा, नंबर ऑफ पेयर आप जानते हैं जिसका संख्या कम है, दो मात्र 3 है और 5 3 से ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन में आएगा, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 3, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 0 लास्ट में आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 2 × 4 × 6 × 8 ये भी लगातार प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये 2 × 4 × 6 × 8 इवन नंबर का सीरीज है। इसमें रुक जाएं, ध्यान से समझे, इस क्वेश्चन की बात करें, कभी भी कोई संख्या का मल्टीपल हो ना तो आपको ये बात समझिएगा, पहले कंसेप्ट दे देते हैं, 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 ऐसे दिया है 1000 तक। ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये 2 का मल्टीपल है। तो जब भी कभी किसी संख्या का मल्टीपल है ना तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, 2 × 1 × 2 × 2 = 4 को इसको बोलेंगे, 2 × 3 इसको बोलेंगे, 2 × 4 ऐसे ही करके जाएंगे, तो ये होगा 2 × 500। तो कितना ऐसे ये टोटल इस सब 2 को अगर कलेक्ट करें हम लोग, ये दो तो टोटल 502 होगा। तो क्या हम इस सीरीज को नहीं लिख सकते हैं, 2 × 500 × 1 × 2 × 3 × 500 ये हो गया। अब आप देखें कि ये पूरा सीरीज को देखें तो 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, पूरे सीरीज को देखें तो 2 पार्ट में सीरीज बटा हुआ। अब पूरे में हम लोगों को देखना है कि क्या ज्यादा, तो इस पार्ट में तो ऑब्वियस सा दिख रहा है 2 ज्यादा है, ब्रैकेट के बाहर 2 ज्यादा और ब्रैकेट के अंदर ये लगातार नेचुरल नंबर है तो अंदर में भी 2 ज्यादा, तो बाहर भी 2 ज्यादा अंदर भी 2 ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे सीरीज में 2 ज्यादा होगा। यानी 0 किस पे डिपेंड करेगा, 5 पर, 0 डिपेंड करेगा नंबर ऑफ 5 पर, तो नंबर ऑफ 5 हम लोगों को ढूंढना है। तो इस बाहर में तो एक भी 5 नहीं होगा और ये नेचुरल नंबर का सीरीज है जिसमें हम 5 ढूंढना आपको सिखा चुके हैं। क्या करना है, दुगुना करके 1 छोड़ना है, 500 का दुगुना 1000 यानी 100, 100 × 200 20, 20 × 40 4 यानी 124। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 124। इसका हम एक टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं, ये भी बात समझ लीजिए, इतना ना करें, ये कंसेप्ट दिए हैं जो आगे काम करेगा टाइप 3 में, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। कब, जब ये इवेन नंबर का सीरीज हो, जब ये इवेन नंबर का सीरीज हो तो इतना करने की जरूरत नहीं है। इवेन नंबर के सीरीज में क्या करना चाहिए कि आप सीधा नॉर्मल नेचुरल नंबर के सीरीज में क्या करते हैं, दुगुना करते हैं 1 छोड़ते हैं, दुगुना करते हैं 1 छोड़ते हैं, जैसे 1000 का दुगुना 2000 फिर 1 छोड़ दिए 200। अगर इवेन नंबर है तो पहली बार बिना दुगुना किए हुए 1 अंक छोड़ दीजिए, जैसे 1000 है 1 अंक छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 100। अब दुगुना कीजिए, 100 का दुगुना 200 यानी 20, 20 × 40 यानी आगे आपका डायरेक्ट आंसर 124। उम्मीद करते हैं मजा आया होगा आप लोगों को, गुड। पहली बार बिना दुगुना किए, इवन नंबर के सीरीज में पहली बार बिना दुगुना किए हुए 1 अंक छोड़िए, उसके बाद दुगुना करके 1 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद दुगुना करके, कब, जब इवन नंबर का सीरीज हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगला क्वेश्चन हम क्या बताएं, बिना दुगुना किए हुए 1 अंक इसको छोड़ दीजिए, कितना आएगा 800, 800 का अब दुगुना कीजिए, 800 का दुगुना 1600 160, इसको 160 32 6 1 1 6 7 2 9, दूसरा अंक को जोड़ते हैं 3 6 9 और तीसरा अंक को जोड़े 1 8 9, 999 0 आएगा आपका ये आंसर होगा, 999।
ये आपका आंसर आया। अगर लगातार इवेन नंबर का प्रोडक्ट हो तो पहली बार बिना दुगुना किए हुए छोड़ दीजिए। सर आप रोमन रेंस लग रहे हैं, मजाक बना रहे हैं क्या? हम भी सोचते हैं कि पूरा ऐसे ही बाल, ऐसे बाहर कोई है नहीं जो कि बाल वाल काट सके, तो ठीक है ऐसे ही बढ़ने देते हैं। चलिए आगे आते हैं। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अभी तक क्या होता था ना, ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग बात बताएं, 1 × 2 × 3 × 4 × 6 ऐसे करके अगर लास्ट में दे दिया 60, तो हम लोग नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 60 का दुगुना 120, 12, 12 दूनी 24, 2, यानी बोलते हैं आंसर 14। लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया, यहाँ का लास्ट नंबर ही गायब कर दिया। ये यहाँ पर पूछेगा कि लास्ट नंबर क्या होगा और ये आपको बता दिया, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 14, नंबर ऑफ जीरो बराबर 14। तो आपको पूछेगा कि बताइए लास्ट में क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से जाना चाहिए। ऑप्शन से जाने का क्या मेरा मतलब है कि ये आपका 1 × 2 × 3 × ऐसे दिया है और बोला लास्ट में n है, बताइए n का मान क्या होगा ताकि नंबर ऑफ जीरोज बराबर 68 आ जाए, अंतिम टोटल 068 आ जाए, तो ठीक है ना। और यहां ध्यान दीजिए एन का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए ना, ऑप्शन में जाइए, सबसे अधिकतम वैल्यू 540 दिख रहा है, यानी एन के जगह अगर मान लीजिए इसके जगह 540 रखेंगे एन के जगह, तो जीरो कितना आएगा, तो 540 का दुगुना करिएगा तो ये 4 × 2 = 8, 108, 108 का फिर दुगुना करेंगे तो आएगा 216, यानी 21 दुनी, आगे करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसको जोड़िएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, यहाँ 68 ही है, यानी ये डेफिनेटली 540 गलत है। 312 की बात अगर करें तो 312 का दुगुना 624, यानी 62 का दुगुना करें, 2 × 4 और 6 × 12 ऐसे ही दिख रहा है, 62 × 64 = 10 = 74 आ गया, ये 68 ये गलत है। इसकी बात करें 289 की बात करें, दुगुना करते हैं तो 9 × 18 7 × 14 = 15 और 2 × 4 = 55, 55 × 110 11 × 22 ये 2 × 1 = 5 = 8 और 5 × 1 = 68 जीरो आ रहा है, नंबर ऑफ जीरो 68 यानी 279 है। यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, 279, ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो टाइप हम लोग खत्म किए, टाइप 1 और टाइप 2। ज्यादा समय अभी नहीं लेंगे क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का डाटा भी लिमिटेड होता है, सबके मोबाइल में डाटा वही 1.5 GB 2 GB होगा, तो और भी चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, और सब भी चीज़ें पढ़नी है आपको, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। और इसका टाइप 1 और टाइप 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, टाइप 1 और टाइप 2 हम आप लोगों को बना के रखना है, ठीक है। कल आएंगे तो हम आपसे, आप लोगों को देखेंगे कि मज़ा आ रहा है सर, नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट का PDF सेंड कर दीजिए। अच्छा अभी सेंड करवा देते हैं, ठीक है, इसी का ये नंबर ऑफ जीरो टाइप 1 टाइप 2 अभी हम सेंड करवा देते हैं, आप लोगों को बना के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग काम करेंगे और आप सभी लोगों को गुड बाय,
अच्छे से काम कीजिए, अभी पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं। आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज में जो प्रैक्टिस में हम दिए हुए हैं उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको लगे कि कुछ पूछना है तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर सेंड किया जा सकता है, टेलीग्राम का नंबर लिंक में बार बार दे दिया जाता है, आप उस पर कोई क्वेश्चन भी हो तो आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।